बसमान मैं हूं आकिल हुसैन सी एस सी स्कॉलरशिप ऑफिशियल से आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू अप्लाई और हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म सी एस सी में फॉर्म कैसे फिल करते हैं आ, मैं ये सिखाने जा रहा हूं आज तो स्टेप बाई स्टेप हम देखेंगे अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर ब्राउजर को ओपन करना है आप क्रोम करें कोई भी ब्राउजर ओपन करके आपने क्या टाइप करना है स्टडी इन चाइना डॉट सी एस सी डॉट ई डी यू डॉट सी एन स्लेश स्लेश रजिस्टर देन इंटर करेंगे तो ये वाला पेज आपके पास आ जाएगा अच्छा उसमें सबसे पहले क्या करना है आप रजिस्ट्रेशन अगर आप न्यू हैं तो न्यू है न्यू तो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है अच्छा रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर होना पड़ता है उसमें आपका नाम आएगा आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड एंड देन आपका यहाँ पर वैलिडेशन कोड ये वाला कोड यहाँ ये यह जो कोड आता है ये कोड बाज़ अवकात ये क्या होता है कोड ठीक ना फिल, आ, फिल करने की वजह से अकाउंट जो है क्रिएट नहीं होता तो आपने क्या करना कैन केन सी पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नया कोड आ जाएगा यहाँ पर उसको एंटर करना है देन सबमिट करेंगे तो आपकी ये यह जो यहाँ पर जो ईमेल आईडी दी है उस पर एक लिंक जाएगा उस लिंक को आपने क्या करना है ओपन करना है एक्टिव करना है इसी ब्राउजर में इसी लैपटॉप में यहाँ पर आपने एक उस पर आपने अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर लॉगिन करके रखनी होती रखेंगे ताकि ये ईमेल आपके पास आए यहाँ से फिर उसी ईमेल लिंक को आप क्लिक करेंगे या न्यू जो टैब में ओपन करेंगे तो आपके पास ये साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा ठीक है और जब आप साइन इन में जाएंगे तो आपके पास साइन इन आपने सेव किया होता है तो आपका पासवर्ड आपका नेम ये सारी चीज़ें आपके पास सेफ आ जाएंगी देन आपने क्या करना है जस्ट ये पास ये जो कोड है आपने कोड इंटर करना है और आपने फिर लॉग इन होना है यहाँ पर ये देखें ये कोड इंटर किया देन साइन इन करना है तो आपने यहाँ साइन इन हो जाएंगे आप ठीक हो गया ये है साइन इन हो होगा यहाँ पर अब ये वाला जो है आ, पेज ओपन होगा आपको साइन इन के बाद यह यहाँ सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपने केयरफुली ये सारा आपने रीड करना है ठीक है इसमें बताया हुआ है कि आ, कौन सी कैटेगरीज हैं टाइप ए क्या होता है टाइप बी टाइप सी ये जितने भी हैं सारा सब कुछ एजेंसी नंबर आपने कहाँ से लेना है ये भी बताया हुआ है यहाँ लिंक दिया हुआ है इस लिंक के थ्रू आपने जाके इंडस्ट्री का जो है आपने एजेंसी नंबर भी यहाँ से ले लेना है ढूंढना है फिर आपको यहाँ पर देखें जितने भी जो आप क्वेश्चन आपके जहन में आ, आ रहे होते हैं रेज होते हैं उनके आंसर्स यहाँ दिए गए हैं ठीक है ये 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 सारी जो है इस पेज को आपने केयरफुली रीड करना है पूरा प्रोसेस यहाँ बताया हुआ है देन आपने क्या करना है एप्लीकेशन ऑनलाइन ठीक है मैसेज सेंटर और हेल्प ये मैसेज जब आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद मैसेज आते हैं तो यहाँ आपको शो हो रहे होते हैं अब आपने क्या करना है होम पे तो ये हम होम पे हैं होम पेज पे हैं अब एप्लीकेशन ऑनलाइन पे क्लिक करना है एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लिक करके देन आपने क्या करना है एप्लीकेशन आपने स्टार्ट करना होता है पेज uh, लोड हो रहा है जैसे लोड होता है तो मैं आपको आगे बता दूंगा मैं कि फिल क्या करना अच्छा अच्छा ये है आ, मेरा तो एप्लीकेशन सबमिट हुई हुई है इसलिए जो ना मेरे पास ये शो हो रहा है ठीक अब आपने करना क्या है आ, व्यू पर्सनल डिटेल्स है माय एप्लीकेशन है देन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है ठीक है स्टेटस मेरा यहां पर देखें एप्लीकेशन स्टेटस टाइप बी है एप्लीकेशन है पेज ये ऐसा है ठीक है इनपुट पर्सनल डिटेल्स इनपुट एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन और दिस ये माय एप्लीकेशन करूँगा तो एप्लीकेशन ओपी व्यू पर्सनल डिटेल्स करते हैं तो यहाँ पर आपके जो है इस पेज पे आए ठीक है ये वाला पेज ओपन होगा यहाँ पर अब तो आपने क्या कर, क्या करना है आपने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर गिवन नेम अपना नाम दिया फिर सुर फिर मेल आपका जेंडर क्या है डेट ऑफ बर्थ मटेरियल स्टेटस ये ये इंफॉर्मेशन है बेसिक इंफॉर्मेशन से आपने जस्ट ये यहाँ पर फिल करना है ठीक है देन आपने यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और वी चेट आई स्काइप आईडी जो भी है देना है एड्रेस अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना है जो कि इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपका कोई घर का नंबर होगा भाई का वालिद का जो कोई भी आप दे सकते हैं ठीक है ये हो गया अब है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में एजुकेशन आपका एजुकेशन लेवल क्या है आपका बैचलर्स है तो बैचलर मास्टर्स है तो मास्टर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है फील्ड ऑफ स्टडी किस फील्ड में आपने किया है आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ बैचलर्स डिग्री लिखेंगे ठीक है देन आपके बैचलर्स में आपका सब्जेक्ट क्या था आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी आपने यहाँ लिखना है ये मेरा मास्टर था मास्टर लिख दिया ठीक है कंट्री कौन सा है इंस्टीट्यूट आपने कहाँ से किया ये प्रोविंस या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सा था इंस्टीट्यूट नेम क्या था ये लिखना है देन आपकी क्वालिफिकेशन एम एस uh, है बी ई है बी एस है जो भी है आपने यहाँ पर कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है एजुकेशन लेवल ठीक है एक तो ये हो गया आपका हाईएस्ट हाईएस्ट जो करंट uh, एजुकेशन आपकी जो जिसमें आप पास uh, आउट हुए हैं वो यहाँ पर है देन आपने अदर एजुकेशन में आपने यहाँ पर नीचे एजुकेशन को फिल करना है फॉर एग्जाम्पल आपने बैचलर्स किया हुआ फिर अदर में जो है आपने uh, क्या किया हुआ वो सारा आपने यहाँ से फिल करना है ठीक है फिल करते हुए देन आपका एजुकेशन हो गया एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में भी अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट आपने जॉब की हुई है ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो आपने उसको भी यहाँ पर फिल करना है ठीक हो गया देन आपने क्या करना है अदर कॉन्टेक्ट अदर कॉन्टेक्ट से अंदर आपने नेम ऑफ आपनेटेक्ट पर्सन चाइना चाइना में मैंने ये अपना फिल किया हुआ है आप यहाँ पर चाइना में कोई दोस्त हैं दोस्त अहबाब है कोई हैं तो आप फिल कर सकते हैं नहीं तो कोई इशू नहीं है ना भी करें तो कोई मसला नहीं है लेकिन आपने यहाँ पर फिल कर लें तो अच्छी बात है फिर फैमिली मेम्बर्स आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन है उनको यहाँ पर आपने फिल करना है ठीक हो गया ये सब हुआ आ, करने के बाद आपने क्या करना है ये प्रोसीड होगा फॉर्म ठीक है आगे आ, ये हो गया आपका यहाँ तक ये फिनिश पे आ गया अच्छा आप ये तो फिल फिल कर दिया फिर देन जो आपका, आ, है आपका यहाँ पर आपने सबमिट किया हुआ तो ये सबमिटेड स्तर पूरा आता होता हो ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर वो पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि उसके बाद आपने करना क्या है ये इसी जैसे मैंने अभी तो दो, दो तीन प्रोसेस आपको बताए हैं इसी तरह ही आपने फिल कर, करते जाना है ठीक है फिल करेंगे और पेजेस आपके पास ओपन होते जाते हैं देन लास्ट में आपने आपने जो है डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होते हैं ठीक है मैं अभी मैं क्लिक करता हूँ आपको अप्लीकेशन दिखा देता हूँ मैं अच्छा आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन uh, दी थी ठीक है एजुकेशन बैकग्राउंड ये सब कुछ करने के बाद फिर आपको ये वाला पेज ओपन होगा ठीक है अब यहाँ आके आपने क्या करना है एजेंसी नंबर आपका जो यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर डालेंगे तो ये यूनिवर्सिटी का नेम खुद बहुत आ जाएगा देन आपने यहाँ पर ये फिल करना है क्या है इंग्लिश uh, प्रोफेशनसी आपकी क्या है अप्लाई एज किस कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के, 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 है uh, के लिए कर रहे हैं तो यहाँ मास्टर्स की डिग्री आएगी अगर आप पी एच के लिए कर रहे हैं तो डॉक्टर्स डिग्री आएगी ठीक है ये देन आपने टीचिंग लैंग्वेज आपने क्या रखनी है वो यहाँ पर मैंशन करें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप, आप, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन इंग्लिश में या चाइनीज में फिर यहाँ पर डिसिप्लिन आपकी आ जाएगी जिसमें आपने अप्लाई करना इंजीनियरिंग है दो तीन यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे वहाँ से सिलेक्ट करना है देन आपका मेजर इस इस पोर्शन पे आपका मेजर आएगा यहाँ पर आप अभी तो मेरा सबमिटेड है इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके मेजर शो होते हैं उसमें से आपने अपना मेजर सिलेक्ट करना है देन आपकी जो है मेजर स्टडी का इसका जो पीरियड है वो कितना होना चाहिए वो सितंबर से हर साल सितंबर वन सितंबर से शुरू होता है ये तीन साल या चार साल की डिग्री होती है मास्टर्स है तो तीन साल की है पीएचडी है तो चार साल की है बाजत मास्टर्स टू ईयर्स का भी होता है ठीक है मास्टर्स फोर ईयर्स का भी होता है पीएचडी थ्री की भी होती है फोर ईयर्स की भी होती है तो आपने ये थ्री ईयर का जो है आपने यहाँ पर या फोर ईयर का आपने ड्यूरेशन पर देनी है ये आपने सेलेक्ट कर दिया या पहले ऑलरेडी पर आ रहा होता है ठीक हो गया देन आपने पहले से कभी चाइना आए हैं या चाइना में आपने स्टडी की है तो आपने यस यस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके पास ये वाला एक ये पोर्शन आपके पास ओपन होगा आपने यहाँ फिल करना नहीं, नो करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आपने जस्ट आपने नो करके आपने आगे बढ़ना है ठीक है देन इसके बाद आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं ठीक है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने यहाँ पर फिल करने होते हैं ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो होंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट आ रही होगी यहाँ पर अभी इसमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम्स के साथ यहाँ पर शो हो रहे होते हैं ठीक है वंस अगेन मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के नेम शो हो ठीक शो नहीं हो रहे अच्छा देन आपने क्या करना इसको कर दिया आपने आ, फिनिश कर दिया आपको इस तरह एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है ठीक है एडिट अभी नहीं होगा क्योंकि मेरा सबमिट हुआ हुआ है अच्छा इसी एप्लीकेशन को एक दफा मैं आपको आ, फिल फिल्ड जो है एप्लीकेशन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें सात सात डॉक्यूमेंट्स जो हैं कौन कौन से फिल करने होते हैं ठीक है जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है वो आपको एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ ये एप्लीकेशन फॉर्म देखें ये आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी होती हैं आपने पिक्चर दी हुई है इस तरह जो है आपका ये सारी डिटेल्स आप जो फिल किए हुए हैं यह ये सारे यहाँ पर इस तरह शो होंगे आपको फिर आपकी जो है यहाँ पर एजुकेशन इस तरह आएंगे फिर क्वालिफिकेशन जो हिस्ट्री फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड देन आपके जो है प्रोफिशेंसी आपकी वो यहाँ शो होगी देन आपके जो है अदर कॉन्टेक्ट में आपने जो कॉन्टेक्ट दिए होंगे वो यहाँ शो होंगे एमरजेंसी नंबर कॉन्टेक्ट नंबर अच्छा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट और वीज़ा वीज़ा स्टाइल फ़ोटो पासपोर्ट या वीज़ा स्टाइल फ़ोटो जो आपका वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर है उसके साथ आपका बैकग्राउंड होना चाहिए ठीक है ये 40, आ, उसकी जो साइज है चालीस एम बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए उससे कम में फोटो होना चाहिए आपका वो सपोर्टिंग ठीक है आ, उसका साइज चेक कर लीजिएगा इसी तरह सर्टिफिकेट आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन जो है नोटराइज कॉपी नोटरी पब्लिक से साइन करा जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपने उसकी जो है हाईएस्ट जो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट अच्छा बैचलर्स डिग्री है मास्टर्स हैं डॉक्टरल हैं तो ये यह आपने यहाँ मेंशन करना है आपने डिग्री आपने अपलोड करनी है ठीक है सर्टिफिकेट में आ, बाद में जब ये 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 ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप आ, इसको प्रिंट करा के आ, जो आप बाई डाग जो है बाई पोस्ट आप सबमिट करवाते हो तो इसको यह हमने फिल करना होता अदरवाइज़ ये ऑनलाइन है तो कोई इशू नहीं है आपने इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है हाइस्ट आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है आपने वो अटैच करनी है ठीक है डिग्री जो है इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अपलोड करनी है पी में होने चाहिए डॉक्यूमेंट स्टडी प्लान आपके पास हो जो कि हज़ार से बारह सौ वर्ड में वर्ड्स में लिखा हुआ हो ए, रेफरेंस वन रेफरेंस टू रेफरेंस लेटर रिकमेंडेशन लेटर है रिकमेंडेशन रेकेमे, लेटर वन रिकमेंडेशन लेटर टू जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आपने लिया होगा पासपोर्ट होम पेज उसका भी पीडीएफ में हो या जेपीजी में हो आपके पास ये सपोर्ट सपोर्ट uh, कर रहे होते हैं पी को भी और जे भी ठीक है वह अक्सर जो है जे अपलोड uh, करनी होती है पासपोर्ट अच्छा फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर्म जो है ये यूनिवर्सिटी uh, uh, की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा नहीं तो मैं लिंक uh, पिछली जो है मैं अपनी वीडियो में अपलोड उसमें डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ मैं भी मैं कोशिश करूँगा कि uh, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दूँ फिजिकल एग्जामिशन फॉर्म आपने फिल करना था वो अपलोड करना है आर्टिकल पेपर अगर कोई पब्लिश है तो वो अदरवाइज छोड़ना है कोई इशू नहीं है ये आर्ट्स के रिलेवेंट है चाइनीज लैंग्वेज अगर आपने की है तो वो आपने अपलोड करनी है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट अगर आपने एच नहीं आइल्स वगैरह नहीं किया है तो इंग्लिश प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है प्रीवियस आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है वो लैंग्वेज वो सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर अपलोड करना है इसी तरह प्री एडमिशन लेटर अगर आपको मिला है यूनिवर्सिटी से तो आपने वो अपलोड यहाँ पर करना है ठीक है प्री एडमिशन लेटर या यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो भी आप जैसे प्रोफेसरों से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लिया हो पहले कोई एक्सेप्टेंस लेटर या किसी यूनिवर्सिटी ने प्री एडमिशन लेटर दिया तो आपने उसको यहाँ पर फिल अपलोड करना है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके रेलिवेंट या आपका कंसर्न जहाँ पर आप रिहाइश है वहाँ के जो है पुलिस स्टेशन से वहां से एसपी का साइन होता है नो के सर्टिफिकेट वहां से ली जाती है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है अदर अटैचमेंट्स के अंदर आपने अदर्स uh, में आपने अपने सीवी अदर uh, कोई आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह या आपके सर्टिफिकेशन हैं कोई कोर्स किए हुए हैं एजुकेशन uh, रिलेवेंट कोई uh, आपने सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे हुए हैं कोई स्किल हैं तो वो सर्टिफिकेट्स उसको आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं देन आपने सबमिट और देन फिनिश का ऑप्शन आता है फिनिश करके आपने सबमिट करना है ठीक है तो देन uh, आपके पास लास्ट में ये वाला फॉर्म इस तरह आपके पास आ जाएगा और जब आप फिनिश करते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है डाउनलोड करना है और आपने उसको अपने पास सेव करना है अगेन सेम एज इट इस प्रोसीजर जो है जैसे सी एस में आपने फिल किया है इसी तरह आपने सेम uh, uh, ऐसे ही आपने उस पर यूनिवर्सिटी uh, के जो है होम uh, पेज में जाना है एडमिशन फॉर्म पेज में जाके वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपने अप्लाई करना है इसी तरह बस uh, तकरीबन डॉक्यूमेंट्स सारे यही अपलोड करने वहाँ पर भी यहाँ जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है तकरीबन यही डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ लिस्ट अपलोड करने साथ में एक ऑप्शन ये होगा कि आपका सी एस सी जो है फॉर्म का जो ना सी एस सी फॉर्म भी आपने अपलोड करना है एक ऑप्शन और भी होगा यहाँ हो पर एक्स्ट्रा ऑप्शन ये होगा कि सी एस सी फॉर्म भी वहाँ पर आपने अपलोड करना है जो आपने यहाँ पर फिल किया हुआ है तो इनशाला आपको समझ आ गई होंगी आप लोगों को अगर कोई क्यूरी हो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं मैं इनशाला उसका रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा टाइमली Thank you, thank you for uh, watching and uh, supporting.